नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के समस्तीपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की है, सुनिए। सर, उस बात में कर लेना चाहूँगा कि अभी देश का जो हालात है वो कोरोना से ग्रसित है, कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित है। हर रोज कोरोना का केस आ ही रहा है अभी, और इसी बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी के समय रहते ठोस निर्णय लेने के कारण भारत में जितनी नुकसान की आशंका थी उस हिसाब से हम नियंत्रण में है। हमारे यहाँ कोई उस प्रकार की बात नहीं है। जहाँ तक चुनाव की बात है, बहुत सारी बातें हैं। चुनाव समय पर नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं आएगी, और जिस प्रकार कोरोना के साथ साथ आम लोग अब जीना सीख गए हैं तो उसी हिसाब से उसी संदर्भ में अब चुनाव भी, बाकी लोग तो सब सामान्य काम कर ही रहे हैं तो चुनाव भी उसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए निर्वाचन आयोग और साथ में सरकार सहयोग कर रही है, उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएगी, किसी को परेशानी नहीं होगी और समय पर चुनाव होना ही चाहिए, बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो अब कोरोना में चुनाव होनी चाहिए, जब कोरोना में चुनाव होनी चाहिए तो अभी जो स्थिति है देश में, शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से चौपट है, सरकार को शिक्षा व्यवस्था में भी तो छूट देनी चाहिए ना। देखिए, शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमारी सरकार ने ऑनलाइन सब लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। जहाँ तक विद्यालयों का बात है तो वहाँ पर अक्सर छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर युवाओं का एक समूह रहता है, तो वहाँ एक प्रिकॉशन के लिए कुछ दिनों के लिए इसको बंद किया गया था, परंतु ऑनलाइन सारी शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं, और साथ साथ इस महीने के अंत तक सारे विद्यालय को भी एक निर्देश दे करके और खुलने की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे सब सामान्य हो रही है। और देश में तो अभी जो स्थिति बना हुआ है, युवाओं में खासकर काफ़ी युवा बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों का कहना है कि देश में जो ये मोदी की सरकार है ये पूरी तरह से युवा विरोधी सरकार है, रोजगार नहीं दे पा रही है, सभी बेरोजगार बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जो ये सरकार कृत संकल्पित है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक की कोई सरकार, युवाओं के लिए जितनी नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने काम किया है और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बहुत तरह के रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया गया है, और उसके लिए अलग से उनका प्रावधान भी है, वित्त मंत्रालय से भी फंडिंग हो रहा है, और अभी तो आत्मनिर्भर भारत का जो एक स्कीम आया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सब है, प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देकर और अपने स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो युवा, जब रोजगार की बातें हो रही है कि आत्मनिर्भर बन के जो है वो उद्यमी बने, ये तो अभी जो स्थिति है युवाओं का, उसके पास तो पैसे है ही नहीं, तो फिर रोजगार कहाँ से चालू करेंगे? सरकार ने व्यवस्था की है बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। अच्छा। कम से कम 50,000 रुपये और उससे अधिक जो आपकी जरूरत है, जो आपके पास पेपर वगैरह है, उस हिसाब से 10 लाख तक की सरकार बैंक के माध्यम से युवाओं को एक लोन भी कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। तो लोगों का कहना है कि सरकार नौकरियां दे तो नहीं रही है, लेकिन नौकरियां जो छीन रही है, जैसे अभी रेलवे को कुछ स्टेशन को निजीकरण करने के लिए जा रहा है, इस विषय पर क्या? देखिए, इसके विषय में जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं हमारे विपक्षी लोग, तो जान लीजिए कि हमारे रेल मंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि कुछ प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं। अच्छा। उसका मतलब ये नहीं है कि हम रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, जो पहले से जो सिस्टम चला रहा है उसी प्रकार है, और 109 रूटों पर कई सौ गाड़ियां नई चलेगी जो प्राइवेट होंगी, तो प्राइवेट भी चलेंगी और सरकारी जो चल रही है वो भी चलेगी, तो हमारे रेल मंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है, कोई निजीकरण नहीं है। मतलब ये हो रहा कि निजीकरण नहीं हो रही है, कुछ प्राइवेट ट्रेनें चलेगी लेकिन जो पहले से सरकारी ट्रेन थी वो चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है उसमें कोई ये नहीं है कि कहीं पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अच्छा, वर्तमान में जो देश की वो कमज़ोर हो रही है, इससे क्या माना जाए कि देश आने वाले समय में आर्थिक मंदी में जाएगी?
देखिए विश्व के साथ साथ जो आर्थिक मंदी का दौर चला है उसमें भी अभी विश्वव्यापी कोरोना का संकट आ गया, उस हिसाब से भारत अपने स्तर पर आप उसका रैंकिंग देखेंगे तो कोई बहुत गिरावट नहीं है। अच्छा, भारत बिल्कुल जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए उस रेशियो में बढ़ रहा है। मंदी है, पूरे विश्व में मंदी है, उसको हम लोग विभिन्न योजनाओं से विभिन्न माध्यम से उसको हम दुरुस्त रख पाए और देश ठीक पटरी पर चले, अर्थव्यवस्था भी हमारा ठीक चले, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। अच्छा, कोरोना जब पूरी तरह से देश में खत्म होगा फिर आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी? इसके लिए तो वही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते एक प्रोजेक्ट लाया है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, लोगों के बीच में ये भावना जगे कि हम स्वरोजगार कैसे उत्पन्न करें। मोदी जी का जो आत्मनिर्भर बनाने का भारत को जो सपना था वो कहाँ तक मतलब सार्थक हो रहा है? देखिए, आत्मनिर्भर बनाने का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने मान के चलिए अभी इसकी एक प्रोजेक्ट लाए हैं कि आत्मनिर्भर भारत का एक जो सपना देते हैं, एक नारा दिए हैं, एक प्रोजेक्ट लाए हैं, परंतु इस पर काम हमारे प्रधानमंत्री जी जब से हमारे बीजेपी की सरकार बनी है तब से इसके पीछे लगे हुए हैं। और अब जो देखते होंगे कि सरकारी नौकरियों के पीछे ही सिर्फ युवा दौड़ते थे, वैसी अब बात नहीं है, लोग इस ओर जा भी रहे हैं। कई पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का जो लाइव आ रहा था कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, बहुत प्रोजेक्ट लाए दिए, उसमें कई ऐसे युवा थे जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके और पशु पालन में अपना शुरुआत किए, कम से शुरुआत किए और आज करोड़ों का बिजनेस है। जब जब चुनाव आता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई ना कोई मुद्दा को तुल पकड़ा दिया जाता है। जैसे अभी कंगना रनौत को ले लीजिए, जो अभिनेत्री है उसको लेकर के पूरी तरह से तुल पकड़ा हुआ है, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ शिवसेना महाराष्ट्र में ले लीजिए, और ये दोनों आमने सामने हो चुकी है कंगना रनौत को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो कमजोरों के प्रति, महिलाओं के प्रति, शोषित वर्गों के प्रति और न्याय के प्रति हमेशा खड़ी रही है। आज सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या की गई, अभी उस पर चल रहा है जांच, परंतु उनके परिवार का जो कहना है कि उनकी हत्या हुई और उसमें कई बड़े लोग उसमें जांच में उनका नाम आने वाला, इससे डर कर और जो वहाँ की सरकार और वहाँ के बड़े बड़े चेहरे जो इस हत्या में और इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं, उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार है और उसके भी कई लोग, उससे जुड़े हुए लोगों का नाम आने वाला है, इस डर से सुशांत सिंह केस को ये दबाने का प्रयास किया गया। बिहार की जब पुलिस वहाँ गई तो उनके साथ सहयोग नहीं किया गया, उनको क्वारंटीन किया गया। इसके खिलाफ कंगना रनौत ने जो आवाज़ उठाई है तो सत्य के साथ हमेशा भाजपा खड़ी रही है। आज कंगना रनौत ने सही बात कही है तो कंगना रनौत के साथ भारतीय जनता पार्टी है, कोई एजेंडा नहीं है चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी एजेंडा नहीं लाती है बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। तो देश में कभी कभी आरक्षण का भी मुद्दा आ जाता है और लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार आई है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या इस तरीके की जो बात है इसमें कहां तक सकता है? जब सभी लोग समान हो जाएंगे, कोई दूरी नहीं रहेगी, कोई वंचित नहीं रहेगा, कोई शोषित नहीं रहेगा, कोई एक दूरी नहीं रह पाएगी, कोई आसमान और खाई का अंतर नहीं रह जाएगा, तो फिर आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, तो अब थोड़ा सा चर्चा अगर चुनाव पे हो जाए तो अच्छा रहेगा, कारण कि बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है आपके बिहार में? बिहार में हमारे नेतृत्व ने एक नारा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार, भाजपा है तैयार आत्मनिर्भर बिहार। बिहार को भी हम कैसे आत्मनिर्भर बनाए, कैसे अपने पैरों पर खड़ा रहे,
उसके लिए हमारे सारे तंत्र खड़े हो चुके हैं। हम तो हमारी तैयारी भी है और जनता की भी तैयारी है कि चुनाव में जो भी आएंगे हमारे गठबंधन के लोग, हमारे भाजपा के लोग, उनको बड़े अंतर से जिताकर भेजेंगे। प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक बूथ पर हमारा एक ठोस एक समूह तैयार हो चुका है। अच्छा, तो ये बिहार में आपका जो NDA की सरकार है अभी वर्तमान में, और अब आप चुनाव हो रही है, बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, बिहार में हमारी ऐसी ताकत बन चुकी है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और सभी सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं। अब बिहार में भी बेहतर सरकार चले, इसके लिए पूरी तरह आशीर्वाद दीजिए। निश्चित रूप से बिहार जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है भारत के साथ आत्मनिर्भर बनने में, बिहार भी आत्मनिर्भर बनेगा, अपने पैरों पर खड़े होगा। कहना चाहूँगा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े काफ़ी कर्मठ नेता हैं, BJP के काफ़ी लगनशील हैं, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं समस्तीपुर के। और अब देखना है, बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है, किस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं और बिहार में जब चुनाव समाप्त होगा तो इनका नतीजा, इनका मेहनत कहाँ तक सफल हो पाता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ में मुकेश कुमार, SBN न्यूज़, समस्तीपुर।